नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस में। उम्मीद करता हूं आप इस सेशन को डेली अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। बस इसी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए और हसल करते रहिए। मैं आपके साथ कर ही रहा हूं हसल, है ना, आप भी करते रहिए और बढ़िया से अच्छा पॉजिटिव आउटकम जरूर आएगा आपकी जिंदगी में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आप मेरे पीछे एक बैनर देख रहे हैं, अगर आप JIB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई साथी गण जो JIB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी वो बैंकर हैं, तो उन सब के लिए हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। ये ऐसा कोई स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं है कि जो आप नहीं दे सकते, बैंक एग्जाम एस्पिरेंट भी दे सकता है, क्योंकि बैंक एग्जाम एस्पिरेंट भी JIB का एग्जाम दे सकता है, तो आप भी दे सकते हैं इस टेस्ट को। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दे दीजिएगा 2 बजे। थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ, अगर एग्जाम देना चाहते हैं, वैसे ही अगर देखना चाहते हैं क्या होता है एक्चुअल में एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो दे सकते हैं आप, स्कॉलरशिप आपको इसमें मिलेगी। 25 मार्च 2023 आज है, सुबह के 7 बज चुके हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बढ़िया से। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, मैंने चेक की नहीं की आज, एक बार देखने दो सब कुछ सही है। ठीक है, ओके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @KKartpal सर्च करके, ताकि आपको मेरी सारी क्लास की अपडेट्स एंड PDFs वहां पर मिल जाए। आज की पहली खबर आई है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस गेट SEBI अप्रूवल टू लॉन्च दी IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई भी एक कंपनी जो कि अनलिस्टेड है या फिर कह लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करती है, स्टॉक मार्केट में लॉन्च करती है, पहली बार उसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है, या फिर वो प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने की तरफ जाती है, तो उसको यहां पर शेयर्स को जनरल पब्लिक को ऑफर करना होता है। और वो जनरल पब्लिक को जो शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, वो जिस मैकेनिज्म के थ्रू किए जाते हैं, उस मैकेनिज्म को हम IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। और उसी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की मंजूरी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देता है किसी भी कंपनी को, जिसको भी वो परमिशन चाहिए अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने की, अपने आप को प्राइवेट कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलने की। ये सब परमिशन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कुछ उसी तरह का काम करता है जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है, वैसे ही SEBI यहां पर काम करता है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। तो इसलिए परमिशन जो है IPO की, वो स्टॉक मार्केट की SEBI के द्वारा ही दी जानी जरूरी है। तो इसी के मंजूरी फिलहाल इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस को मिल गई है, ये मंजूरी दी है SEBI ने उनको IPO लाने की। ये यहां पर इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का इसमें 65% हिस्सा है, वॉर्बर्ग पिनकस नाम की कंपनी 26% हिस्सा है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इसमें 9% हिस्सा है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस गेट्स दी SEBI अप्रूवल टू लॉन्च दी IPO। यहां पर एक चीज आपको थोड़ा सा मैं पीछे बैक हिस्ट्री में लेकर चलो, बैंक ऑफ बड़ौदा का इसमें 65% है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इसमें 9% हिस्सा है। अगर आपको याद होगा कि जब मर्जिंग हुआ था तो उस टाइम एक IRDAI के द्वारा गाइडलाइन जारी की थी, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि किन्हीं भी दो बैंक्स का यहां पर किसी पर्टिकुलर एक इंश्योरेंस कंपनी में जो हिस्सा है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से हिस्सा ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस वक्त मर्जिंग हुआ, मान लीजिए कोई एक बैंक का मर्जिंग दूसरे बैंक में हुआ, तो किसी दो बैंक्स का यहां पर आपका अलग अलग बैंक्स का उनका यहां पर हिस्सा था, ठीक है, लेकिन लेटर ऑफ मर्जिंग होने के बाद वो बैंक एक बन गया, तो ऑब्वियस है उसका यहां पर जो हिस्सा था वो भी कम करने की जरूरत थी। तो IRDAI के द्वारा उसके बाद एक गाइडलाइन जारी की थी, और इन्हीं गाइडलाइंस के मतलब आप देख रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के इसमें 65%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इसमें 10% से नीचे हिस्सा कर दिया गया था, जबकि ये ज्यादा था पहले हिस्सा इसका, और अब जाकर इसका हिस्सा 9% कर दिया गया था 10% से नीचे। ये भी एक फैक्ट है, एक्चुअल फैक्ट है, ये ऐसा हुआ था। तो यहां पर न्यूज़ में सिंपल सी न्यूज़ है कि हाल ही में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को मंजूरी दी गई है आपका SEBI के द्वारा ताकि वो अपना IPO लॉन्च कर सके। राइट आंसर रहेगा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस इसका सही उत्तर रहेगा।
ठीक है ओके। रिसेंटली सेबी ने नोटिफाई किया है ग्रीन बॉन्ड से संबंधित, एंड सेबी ने इंट्रोड्यूस किया इश्यू समरी डॉक्यूमेंट फॉर फाइलिंग आईपीओ पेपर इन XBRL फॉर्मेट, और एनएससी ने सेबी का अप्रूवल दिया स्टॉक सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। हाल ही में एनएससी को मंजूरी मिली थी। और सेबी के स्टैटिक फैक्ट की बात करूं, चेयरपर्सन इसकी मधुपुरी बर्ष है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1992 में ये एक्चुअल में ये आया था, जिस हाथ में पावर्स आई थी इसके। और इंडिया फर्स्ट की बात करो, सीईओ इसके आरएम विशाखा, इसका हेडक्वार्टर यहां पर मुंबई में स्थित है। आरबीआई के डाटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहां पर भुवनेश्वर ओडिशा में ओपन होने जा रहा है। भुवनेश्वर ओडिशा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि वो यहां पर एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर, ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर एंड एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर। सो एक प्रकार से डाटा सेंटर रहेगा जहां पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगी, किसी तरह की इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दी यहां पर साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन एज वेल एज दी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी वहां पर प्रोवाइड की जाएगी किस तरह से साइबर सिक्योरिटी को और बेहतर किया जा सकता है, आपका साइबर क्राइम से बचा जा सकता है, उससे रिलेटेड सेंटर कहां पर आने वाला है, भुवनेश्वर ओडिशा में आने वाला है। तो इस न्यूज में से क्वेश्चन सिंपल एक ही बनेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन से शहर में ओपन होगा। दैट इज द राइट आंसर विल बी भुवनेश्वर ओडिशा, भुवनेश्वर ओडिशा यहां पर आपका रहेगा। एंड रिसेंटली इन आरबीआई बैंक्स फ्रॉम 18 कंट्रीज गेट आरबीआई नोट टू ट्रेड इन रुपी, ये अभी हाल ही में 18 कंट्रीज को यहां पर मंजूरी दी थी। आरबीआई ने हाल ही में हर पेमेंट डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया था। आरबीआई ने मार्च 2023 राउंड ऑफ इट्स दो सर्वे यहां पर लॉन्च किए। और ये आपके कुछ फैक्ट्स और आए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। शक्तिकांत दास जी ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये आरबीआई के गवर्नर है यहां पर आपके, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1935 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी अंडर द आरबीआई एक्ट 1935 के तहत, ठीक है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, इन्हीं का एक स्टैच्यू जो है वो अप्रैल 13 को अनवील किया जाएगा लातूर सिटी महाराष्ट्र में। लातूर सिटी महाराष्ट्र में इनका एक स्टैच्यू आ रहा है, ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का। इसको मंजूरी दे दी है गवर्नमेंट ने, सरकार ने। और ये स्टैच्यू जो है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पार्क में रहेगा एंड सेरेमनी यहां पर होगी उनके 131वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर। 131वीं बर्थ एनिवर्सरी 14 तारीख को उनका जन्मदिवस होता है, और ये जो 13 तारीख को एक दिन पहले ये चीज स्टैच्यू का किया जाएगा। इस स्टैच्यू की खास बात क्या है, अब ये स्टैच्यू आया, देखो स्टैच्यू ऑब्वियस है, स्टैच्यू है तो स्टैच्यू तो आते रहते हैं, मतलब आते रहते हैं इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि कोई जैसे अभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का स्टैच्यू मेरी सिटी में भी एक अनवील किया गया, कुछ दिन पहले की बात ही है, एक महीना शायद हो चुका है, तो वो भी किया गया। तो इस तरह का कहने का मतलब है कि स्टैच्यू काफी सारी सिटीज में आते रहते, तो हम इस स्टैच्यू के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या खास बात है सर, मतलब इसको पढ़ना क्यों जरूरी है या याद करना क्यों जरूरी है, क्या फिर इस तरह के स्टैच्यू तो हम हर एक सिटी में, क्या मेरी सिटी का जो स्टैच्यू आया था उसको भी आपने नहीं पढ़ाया। तो इस स्टैच्यू की खास बात क्या है जो मैंने ये न्यूज में लेकर आया हूं, इस स्टैच्यू की खास बात यह है कि जिन्होंने इसको बनाया है दैट इज अक्षय हलके, इन्होंने कहा है कि दैट दिस इज द फर्स्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, ये पहला स्टैच्यू है पूरी दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर जी का, टू बी क्रिएटेड इन जस्ट 20 डेज, 20 दिन में बनाया जाएगा। एंड इट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द स्टेट, ये अपने आप में पहले तरीके का स्टैच्यू स्टेट का भी है जो कि केवल 20 दिन में बनाया जाएगा, इसलिए ये स्टैच्यू खास है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का स्टैच्यू पूरी दुनिया में कभी भी केवल 20 दिनों में नहीं बनाया गया है, ये केवल 20 दिनों में इसको बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी मंजूरी दी तो इसको 20 दिन में बनाया जाएगा और इसको 13 अप्रैल को यहां पर अनवील किया जाएगा। 70 फीट ऊंचा यह स्टैच्यू रहने वाला है, ओके। तो ये एक खास बात है जो कि स्टैच्यू को यूनिक बनाती है और हमारी न्यूज को यूनिक बनाती है, नहीं तो हम तो ऐसे बहुत सारे स्टैच्यूज आते रहते हैं, हम किस किस के बारे में बात करेंगे, राइट, ओके। तो
एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन यहां पर आपका क्या बनेगा, एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन यहां पर बनेगा, हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का स्टैच्यू जो कि केवल 20 दिनों में बनाया जा रहा है, जो कि दुनिया में पहली बार हो रहा है कि केवल 20 दिनों में यहां पर बाबा साहेब अंबेडकर जी का स्टैच्यू बनाने की तैयारी की जा रही है, द राइट आंसर रहेगा कहां पर, लतूर सिटी यहां पर महाराष्ट्र की, यहां पर बनाया जा रहा है। ओके, और किसके द्वारा, अक्षय हलके, और कितने दिन में बनाया जा रहा है, दैट इज द 20 दिनों में। ये तीन क्वेश्चन आपके फोकस में रहने, आपको कीवर्ड्स हैं आपके लातूर, अक्षय हलके और दी 20 डेज, लातूर, अक्षय हलके एंड दी 20 डेज, लातूर, अक्षय हलके एंड दी 20 डेज। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया न्यू आरटीयू एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इन्होंने इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर को यहां पर आपका ओपन किया है, आपका दिल्ली में, दिल्ली में ओपन किया गया है इस पर्टिकुलर सेंटर को। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस की बात करूं, आईटीयू की बात करूं, तो एक एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल की और यूनाइटेड नेशन की, बेसिकली यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि यहां पर आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजीज को रूबरू करवाती है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और ये यहां पर अपने ऑफिस को अलग अलग एरिया में ओपन करती है और उसका एक अपने आप में एक पहला ऑफिस इंडिया में ओपन होने जा रहा है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा मोदी जी ने यहां पर भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट भी यहां पर एक रिलीज किया, मतलब 5G के बाद अब 6G यहां पर रिलीज किया गया है, एज वेल एज द 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड एंड द कॉल बिफोर यू डिग ऐप। ओके, तो ये चीज एक ऐप भी लॉन्च की है इन्होंने और साथ ही साथ उनके द्वारा एक 6G से रिलेटेड एक विजन बेड टेस्ट बेड यानी कि ट्रायल जहां पर किया जा सकता है वो भी लॉन्चिंग की गई है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन, आईटीयू एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर कहां पर ओपन किया गया, हाल ही में न्यू दिल्ली में किया गया। आईटीयू की बात करें तो आईटीयू किसके अंडर काम करता है, यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करता है। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, जिनेवा में हेडक्वार्टर है और बाकी ये 6G विजन डॉक्यूमेंट टेस्ट बेड और कॉल बिफोर यू डिग ऐप, कॉल बिफोर यू डिग ऐप किससे संबंधित है, 6G से संबंधित है, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है यहां पर, ठीक है। तो न्यू दिल्ली, यूनाइटेड नेशन एंड जिनेवा, फिलहाल तीन कीवर्ड्स है, न्यू दिल्ली, यूनाइटेड नेशन एंड दी जिनेवा इस पर्टिकुलरली न्यूज में, ठीक है। ओके, एंड आज आपका यहां पर होगा, आज 12 बजे आपकी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास होगी, ठीक है, तो आ जाना 12 बजे, राइट, जैसे आज सैटरडे है तो हर एक सैटरडे को मैं 12 बजे वीकली करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूं और आज लेंगे क्लास 12 बजे, ठीक है, मेरे खुद के जो यूट्यूब चैनल है उस पर, ठीक है। हिमंता बिस्व शर्मा लॉन्चेस मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इन असम। चीफ मिनिस्टर ऑफ असम जो है हिमंता बिस्व शर्मा जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ प्रोजेक्ट को यहां पर किया है स्टेट के अंदर। इस पर्टिकुलर लाइफ प्रोजेक्ट के तहत यहां पर पूरे हफ्ते कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाएंगी पूरे के पूरे असम में एंड ये एक्टिविटीज का बेसिक काम रहेगा सात आइडेंटिफाइड कैटेगरीज पे फोकस करना। कौन कौन सी है, एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, रिड्यूसिंग प्लास्टिक एंड ई वेस्ट एंड प्रमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू दी सरना जी, इनके द्वारा ये कहा गया है कि ये सात आइडेंटिफाइड कैटेगरीज पे फोकस किया जाएगा, एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, प्लास्टिक, ई वेस्ट, प्रमोटिंग हेल्दी लाइफस्टाइल। यहां पर तो पांच ही है भाई, ठीक है, क्या है, एक एनर्जी, दो, तीन, चार, पांच, पांच ही है, पता नहीं सातवीं कौन सी है। सो यहां पर जो है सात पे फोकस किया जाएगा, खैर ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, इसमें एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन यही आएगा, अभी लाइफ के बारे में पढ़ूंगा अगले पेज पर, फिलहाल इस पेज में से देख लेते हैं। इस पेज में से क्वेश्चन ये आएगा कि यहां पर हाल ही में कौन से स्टेट के द्वारा मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट दैट इज अ लाइफ प्रोजेक्ट की यहां पर शुरुआत की गई है। राइट आंसर रहेगा हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने असम में इसकी शुरुआत की है, तो असम में इसकी शुरुआत हुई है हिमंता बिस्वा शर्मा जी जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा यहां पर किया गया है, ठीक है। ओके, सो ये है आपका लाइफ मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट हिमंता बिस्वा शर्मा असम, दिस इज द लाइफ एक्टिविटीज के तहत यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। अब लाइफ आखिरकार है क्या, इसको पढ़ते हैं। लाइफ बेसिकली यहां पर आपका इंट्रोड्यूस किया था एक कंसेप्ट COP26 ग्लासगो 2021 में, जिसके तहत यहां पर एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात की गई थी, वेस्ट को कम करने की बात की थी, हेल्दी एनवायरमेंट को क्रिएट करने की बात की थी इंडिया में यहां पर किया गया था। इंडिया का यह मिशन लाइफ है, ग्लोबल लेवल का एक इनिशिएटिव है जिसके तहत यहां पर
क्लाइमेट चेंज से निपटना, जूझना, प्रमोट करना एक ऐसा तरीका जो कि यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग हो। यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके जो कि टोटल यहां पर आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको मैंने बहुत बार कह रखा है कि जितने भी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो आपके सारे के सारे आपको याद करने हैं, अलोंग विद एसडीजी 1 क्या है, एसडीजी 2 क्या है, एसडीजी 3 क्या है, ये आपके टिप्स पर हमेशा ऑलवेज होने चाहिए। ठीक है, तो उसी तर्ज पर यहां पर इंडिया ने अपना एक मिशन लाइफ यहां पर शुरुआत की थी ताकि एसडीजी के जो गोल्स हैं जो 2030 तक अचीव करने हैं, खैर वो आगे एक्सटेंड हो जाएगा, उनको यहां पर अचीव करने में जो भी चीज की जा सकती है उसको किया जाए, और उसी के तहत इंडिया ने एक मिशन लाइफ की शुरुआत की थी और उसी मिशन लाइफ को अभी हाल ही में असम में उसको लॉन्च किया गया और एक हफ्ते तक पूरी की पूरी एक्टिविटीज पर फोकस किया जाएगा ताकि आगे उसका एक रोड मैप तैयार किया जा सके कि किस तरह से ये चीज आगे बढ़ाई जा सकती है। ओके, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जनवरी 2022 को इंडिया ने इस लाइफ ग्लोबल मूवमेंट को शुरुआत किया था जिसमें अलग अलग एकेडमिक्स, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स वगैरह इन सबको इन्वॉल्व किया गया था यहां पर एनवायरमेंटल क्राइसिस से जूझने के लिए। मिशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ P3 मॉडल के ऊपर आधारित था। P3 मॉडल का मतलब है प्रो प्लैनेट पीपल, इनके ऊपर यहां पर आधारित था एंड एम्फसाइज़ द लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट। ओके, सो इसके ऊपर यहां पर कि आप प्लैनेट के लिए जिए, प्लैनेट के लिए रहें, है ना, लाइफस्टाइल फॉर द प्लैनेट, बाय द प्लैनेट एंड द ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट एंड द बाय द प्लैनेट। तो यहां पर इस पेज में तो आपको चीजें याद होगी होंगी, लाइफ कहां है, असम में है, ठीक है, हिमंता बिस्व शर्मा जी ने इसको लॉन्च किया है, बस इसमें इतना ही है कि किसने क्या चीज लॉन्च की है, कहां की है। अब ये पूरा पूरा लाइफ के बारे में लिखा है, इसमें क्या क्या याद रखना है, इसमें एक तो ये चीज याद रखनी है कि कहां पर यह कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, उसके बाद कब इसको लॉन्च किया गया था, पहले कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ फिर इसकी लॉन्चिंग हुई थी, किस 3 P मॉडल्स पे आधारित है, दैट इज दी प्रो प्लैनेट पीपल पर आधारित है, प्रो प्लैनेट पीपल पर आधारित है। बाकी चीजें तो पढ़ने वाली हैं अकॉर्डिंग टू मी, बाकी चीजें आपके जहन में वैसे ही बैठ के होंगे जब मैंने इसको समझाया कि आखिरकार क्या है, बाकी सारी चीजें यही लिखी हुई, आखिरकार ये है क्या, जो याद करने वाला है वो डेट्स याद करने वाली है, इंट्रोडक्शन, then the launching date, then the based on the P3 model and that is a pro planet people and the lifestyle of planet for the planet and the by the planet, इस पे focus कीजिएगा, ये पूरी की पूरी न्यूज़ आपको याद हो जाएगी, ठीक है, बस इन keywords पे focus कीजिएगा and that's it, इतना ही इसमें से questions बन सकते हैं। Next है Minister of Environment, Forest and Climate Change ने issue की है 14 guidelines to tackle the ह्यूमन वाइल्डलाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन वाइल्डलाइफ कॉन्फ्लिक्ट को यहां पर आपका टैकल करने के लिए तकरीबन 14 गाइडलाइंस को जारी किया गया है। गाइडलाइंस आर शेड्यूल्ड टू बी रिव्यूड एवरी 5 years बिगिनिंग इन 2023। सो गाइडलाइंस जो है वो यहां पर एवरी 5 years बार रिव्यू की जाएंगी, रिव्यूड एवरी 5 years बिगिनिंग इन 2023 की शुरुआत में यहां पर आपका होगा, रिव्यूड एवरी 5 years बिगिनिंग इन 2023 में यहां पर आपका, एंड दीज गाइडलाइंस आर डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ द इंडो जर्मन कोऑपरेशन प्रोजेक्ट ऑन द HWC mitigation which is being implemented by this ministry in collaboration with the Deutsche Gesellschaft for internationally and the State Forest Department of Karnataka, Uttarakhand and the West Bengal. Okay, काफी अजीब सा है ना, सुबह सुबह इतना मुश्किल शब्द यार ये बुलवा देते हैं, है ना, वो तो कुछ खाया पिया भी नहीं होता, सारी एनर्जी शब्द को बोलने में निकल जाती है, कुछ तो यार क्या भाई साहब, जो भी है ये वट्स एवर, है ना, राइट। सो GIZ इंग्लिश में, इंग्लिश में नाम दे रखा है नीचे भाई, जर्मन कॉपरेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन, ठीक है, इज अ जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी विद 2 रजिस्टर्ड ऑफिसेज इन जर्मनी, बून एंड दी एश बोन। ओके, सो ये जगह पर है, चलो वैसे तो न्यूज कुछ खास है नहीं, थोड़ी सी वो नाम के वजह से कॉम्प्लिकेट लग रही है, इजी से है, देखो बेसिकली क्या, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ, इंसान और जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि कोई भी जानवर यहाँ पर शहर में घुस जाता है, गांव में घुस जाता है
ऑब्वियस है वो नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर हम लोग ही उनको जानबूझ के ऐसा उकसाते हैं कि वो नुकसान पहुंचा दें हमें जाने ना अनजाने में, राइट। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, इन सब चीजों से निपटने के लिए 14 तरीके की गाइडलाइंस जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने 14 तरीके की गाइडलाइंस को जारी की है जिससे ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट को यहां पर कम किया जा सके। ये जो है एवरी 5 साल बाद इनको रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा, बदला जाएगा। और इन गाइडलाइंस को जो बनाया गया है वो बनाया गया है, इंडिया का एक प्रोजेक्ट था यहां पर किसके साथ मिलकर, ये था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने साथ में थी, ये जर्मनी की कंपनी थी, जर्मनी की कंपनी कौन सी, जर्मन कॉर्पोरेशन फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, इसके साथ मिलकर, और साथ ही साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर्नाटका का, उत्तराखंड का और वेस्ट बंगाल का, इनके साथ मिलकर यहां पर इन गाइडलाइंस को डिजाइन किया था। तो इस एक और पेज है इसके बाद, इस पेज पर क्या क्या न्यूज बनेंगे, इस पेज पर यहां पर न्यूज बनेगी कि हाल ही में यहां पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए कितने गाइडलाइंस को जारी किया है। राइट आंसर 14 रहेगा, 14 गाइडलाइंस को जारी किया। कब कब रिव्यू की जाएंगी, 5 साल बाद, एवरी 5 ईयर्स बाद ये रिव्यू की जाएंगी। इसके अलावा किसके साथ मिलकर किया है मिनिस्ट्री ने यहां पर इसको, मिनिस्ट्री ने इसके जर्मनी के साथ मिलकर, और साथ ही साथ 3 स्टेट्स हैं, इन 3 स्टेट्स के नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, दैट इज दी कर्नाटका, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन तीनों के साथ मिलकर इसको किया गया है। एंड साथ ही साथ यहां पर GIZ के बारे में लिखा हुआ, जर्मनी की कंपनी है, बस दैट्स इट, इतना याद रख लो, जर्मनी की कंपनी, इंडिया का मिनिस्ट्री है, और साथ में 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका, उत्तराखंड एंड दी वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के दोनों स्टेट्स। 14 गाइडलाइंस इट इज गोइंग टू रिव्यूड एवरी 5 ईयर्स बिगिनिंग इन 2023। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 स्पेसिफिक यहां पर जो गाइडलाइन, जो 14 गाइडलाइंस हैं, जो 14 गाइडलाइंस, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक पार्ट है 10 स्पीसीज रिलेटेड गाइडलाइंस, और 4 गाइडलाइंस यहां पर नीचे ले रखी हैं। तो 10 स्पीसीज स्पेसिफिक गाइडलाइंस क्या है, वो स्पीसीज से रिलेटेड है, कौन सी, किस तरह की, ह्यूमन एलिफेंट, ह्यूमन गुआर, ह्यूमन लेपर्ड, ह्यूमन स्नेक, ह्यूमन क्रोकोडाइल, ह्यूमन रेसस मैकायो, ह्यूमन वाइल्ड पिग, ओके, इनसे रिलेटेड है, याद जरूरत नहीं है करने की, ठीक है, बहुत सारी है, नंबर याद रख लेना 10, ठीक है। उसके अलावा 4 गाइडलाइंस और कौन से, 4 गाइडलाइंस है यहां पर आपकी, फॉरेस्ट एंड मीडिया सेक्टर इन इंडिया टुवर्ड्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेट करना, अवेयर करना लोगों को, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ, क्राउड मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, क्राउड मैनेजमेंट, एड्रेसिंग हेल्थ इमरजेंसीज एंड पोटेंशियल हेल्थ रिस्क अराइजिंग ऑफ द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ। तो यहां पर अलग अलग तरीके से, यहां पर एक तो आप अवेयर कर रहे हो लोगों को, एक उनको हेल्थ एंड सेफ्टी, सेफ्टी से जुड़ी हुई चीजें बता रहे हो, दूसरा अगला क्राउड मैनेजमेंट, ऑब्वियस है जानवर आ जाता है, भीड़ लग जाती है ना, उसको कैसे मैनेज करना है, और इनकेस किसी तरह का जानवर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उस चीज को कैसे टैकल किया जाएगा। ये चारों चीजों से रिलेटेड गाइडलाइंस जारी की गई है, और इसके अलावा 10 गाइडलाइंस जो और जारी की गई है वो पर्टिकुलर स्पीसीज से रिलेटेड है, कि भाई ह्यूमन एलिफेंट से रिलेटेड है, ह्यूमन गुआर, ह्यूमन लेपर्ड से रिलेटेड गाइडलाइंस है, तो इस तरह की वो अलग से गाइडलाइन जारी की गई, उनकी अलग से और फर्दर बाइफर्केशन होगी। तो फिलहाल एग्जांपल से नंबर याद रखने हैं 14 और 10, 10 में ये जानवर के नाम दे रखे हैं, याद कर सको तो कर लेना, वैसे याद कर नहीं पाओगे, अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट तक आप भूल जाओगे, तो छोड़ सकते हो 10 और ये 4, ये 4 है, 4 याद कर सकते हो, फॉरेस्ट मीडिया से है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, क्राउड मैनेजमेंट से रिलेटेड, और हेल्थ इमरजेंसी से, ये छोटे छोटे वर्ड याद रख लेना तो ये चारों तो याद हो ही जाएंगे आपको आराम से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जापान के पीएम फुमियो शिदा अभी हाल ही में इंडिया में विजिट पे थे, दूसरी बार जो फुमियो शिदा इंडिया में विजिट कर रहे हैं, दूसरी मुलाकात है बेसिकली इन दोनों की, और फुमियो शिदा प्राइम मिनिस्टर जापान पेड अ 2-डे विजिट जापान इंडिया समिट मीटिंग हुई थी हाल ही में, उस मौके पर यहां पर थे। इस साल यहां पर 70th एनिवर्सरी है जापान की इंडिया के साथ टाई अप की, रिलेशंस की। यहां पर फुमियो शिदा ने यहां पर आपका 41st सप्रू हाउस लेक्चर यहां पर डिलीवर किया, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के ऊपर उन्होंने एक लेक्चर भी डिलीवर किया। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी जी से डिस्कशन किया अपकमिंग G7 समिट यहां पर होने वाली है हिरोशिमा में मई 2023 में, और G20 समिट न्यू दिल्ली में होने वाली है, तो आप सबको मालूम ही है। इसके अलावा वहां पर उन्होंने सेलिब्रेट किया जापान इंडिया टूरिज्म एक्सचेंज ईयर 2023 को यहां पर डिक्लेयर किया गया है एज अ जापान इंडिया टूरिज्म एक्सचेंज ईयर के रूप में।
थीम है इसकी कनेक्टिंग दी हिमालयस विद माउंट फूजी। माउंट फूजी वहां का माउंटेन है, ओके, हिमालय को माउंट फूजी के साथ यहां पर कनेक्ट करना, ये यहां पर इसकी एक बेसिकली थीम है, ओके। और ये है इंडिया और जापान के बीच की एक समिट हाल ही में आयोजित की गई इंडिया में, जापान इंडिया समिट मीटिंग 2023 आयोजित हुई है यहां पर आपकी। 70th एनिवर्सरी है इंडिया जापान के रिलेशंस की, यहां पर पहली बार इन दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन 70 साल पहले यहां पर बनाए गए थे। इसके अलावा यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा, G7 समिट कहां पर होने वाली है, हिरोशिमा में होने वाला है। G20 तो आप सभी को रटा ही होगा अब तक, तो हमने बहुत बार पढ़ ही लिया, न्यू दिल्ली में हो रही है। इसके अलावा यहां पर 2023 को इंडिया की तरफ से टूरिज्म एक्सचेंज ईयर ऑब्जर्व किया जा रहा है, कौन से देश के साथ मिलकर इसको टूरिज्म एक्सचेंज ऑब्जर्व किया जा रहा है, द राइट आंसर विल बी दी जापान। और इसकी थीम है कनेक्टिंग दी हिमालयस विद दी माउंट फूजी, माउंट फूजी के साथ कनेक्शन बिठाकर इसको किया जा रहा है ये थीम के ऊपर, ओके। सो माउंट फूजी के बारे में आपका होमवर्क कि भाई साहब माउंट फ्यूजी कहां पर है और क्या इसकी हाइट है, ये आपका होमवर्क है आज का, और ये एग्जाम पॉइंट है उसे काफी रेलेवेंट क्वेश्चन बन सकता है। मुझे उस वक्त जब मैं देख रहा था फाइल तब ध्यान में नहीं आया, नहीं तो डेफिनेटली मैं दे देता, बट माउंट फूजी के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, फोकस में है, थीम ही है माउंट फूजी, तो ऑब्वियस है ये न्यूज इंपॉर्टेंट बन सकता है, माउंट फूजी के बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसी मौके पर दो एग्रीमेंट साइन किए गए, जिसमें पहला एग्रीमेंट था मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, यानी कि बुलेट ट्रेन के ऊपर यहां पर एग्रीमेंट एक साइन किया गया, और यह था यहां पर आपका जापानीज येन 300 बिलियन डॉलर से संबंधित लोन के ऊपर, 0.1% पर एनम का इंटरेस्ट रेट, रीपेमेंट 50 साल तक इन्होंगर रहेगा आपका, रीपेमेंट आपको करना है। अर्लियर 2022 में जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था ट्रांस 3, ये ट्रांस 4 है, मतलब कि फोर्थ स्टेज कह लीजिए, चौथा है हिस्सा ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का, यानी कि बुलेट ट्रेन से संबंधित 2022 में एक प्रोजेक्ट यहां पर किया गया था, जिसमें टोटल 100,000,000,000 जापानीज येन का लोन लिया गया था, और अब ये चौथे में 300 बिलियन जापानीज येन का यहां पर जो है वो लोन लिया गया है। इंडिया और जापान ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया इन द फील्ड ऑफ जापानीज लैंग्वेज एजुकेशन इंडिया, जापानीज लैंग्वेज को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए, जापानीज लैंग्वेज को यहां पर यहां के लोगों को सिखाने के लिए एजुकेशन फील्ड में, उससे रिलेटेड एक एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन भी यहां पर साइन किया गया है, ओके। सो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन यहां पर इस पेज में तो हमने कर ही लिए थे, इस पेज में क्या बनेंगे, इस पेज में हाल ही में यहां पर जब देश में हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो शीदा जापान के प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, उन्होंने दो एग्रीमेंट्स पे साइन किया। पहला एग्रीमेंट किससे संबंधित था, पहला एग्रीमेंट था 300 बिलियन येन, जो कि यहां पर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क यानी कि बुलेट ट्रेन के लिए यहां पर जापान के द्वारा दिएगा। इससे पहले भी इसी तरह का एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसमें उन्होंने यहां पर आपका दिया था 100,000,000 जापानीज येन को, वो ट्रांस 3 था, ये ट्रांस 4 है, ओके। और इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच में किस तरह का एक और एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो है जापानीज लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, इससे संबंधित भी एग्रीमेंट ये साइन किया गया है, ठीक है। तो ये यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहां पर काफी अच्छी न्यूज है, बड़ी न्यूज है थोड़ी, याद रख लेना। फुमियो शीदा 70th एनिवर्सरी इंडिया में मौजूद, G7 समिट हिरोशिमा में मई 2023 में, कनेक्टिंग द हिमालयस एंड माउंट फूजी ये थीम के साथ जापान इंडिया टूरिज्म एक्सचेंज ईयर है 2023, और ये दो पॉइंट्स यहां पर जो हुए हैं एक एग्रीमेंट्स इन दोनों के बीच में साइन किए गए हैं, राइट, ओके। चलिए आगे चलते हैं, आइनस सुजाता विजिट टू मोजम्बिक, ओके, मोजम्बिक यहां पर आपका पहुंची हमारी आइनस सुजाता, सुकन्या क्लास पेट्रोल वेसल ऑफ द इंडियन नेवी बेस्ड इन सदर्न नेवल कमांड इन कोची, कोची में यहां पर है आपका इसका बेस है, नेवल बेस आइनस सुजाता का, ये यहां पर मोजम्बिक में पहुंची। मोजम्बिक में पर्पज है इसका टू इंप्रूव द बायलेटरल रिलेशन, दोनों देशों के बीच में जो है एक अच्छी खासी संबंध एग्रीमेंट यहां पर बनाना, और ये पहुंचा कहां, मोजम्बिक में पहुंचा, एंड पोर्ट मापूतो मोजम्बिक। एग्जाम्पल से सिंपल सा क्वेश्चन, हाल ही में मोजम्बिक पे कौन सा हमारे इंडिया का आईएनएस जो है इंडियन नेवल शिप जो है वो पहुंची थी, आईएनएस सुजाता, बस इसका हेडलाइन में ही याद रख लेना, बस इतना हेडलाइन में ही काम बन जाएगा, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। आईएनएस सुजाता कहां गई, मोजम्बिक में गई, ठीक है, ओके, मोजम्बिक पे।
अगली खबर है आईएनएस अंधरोध से। आईएनएस अंधरोध सेकंड शिप ऑफ द एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी लॉन्च्ड इन द कोलकाता। सो यहां पर अंधरोध जो है वो यहां पर लॉन्च किया गया कोलकाता से। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने ही इसको यहां पर बनाया है एंड शिप को यहां पर हुगली नदी में यहां पर सबसे पहले इसने छोड़ा गया, हुगली नदी में जाता हुआ नजर आ रहा है पीछे। यहां पर ये रिलीज किया जा रहा है इसको आईएनएस अंधरोध को यहां पर, और ये सेकंड इन द सीरीज ऑफ द 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। ये टाइप ऑफ शिप है, ये दूसरा शिप है इस पर्टिकुलर शिप का जिसमें 8 टोटल यहां पर एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ऐसे शिप्स बनाए जाने हैं आपके 8 ऐसे, जिसमें ये दूसरा शिप है और इसका नाम है अंधरोध। अंधरोध इसका नाम है। पहला जो शिप था वो था यहां पर आईएनएस अर्नाला, अर्नाला जिसको दिसंबर 2022 में ही लॉन्च किया गया था। अर्नाला शिप्स ये रिप्लेस करेंगे अभे क्लास को, पुरानी जो शिप्स थी अभे क्लास की उनको रिप्लेस करेंगे अर्नाला क्लास जिसमें ये दूसरी है अंधरोध नाम की, और अंधरोध नाम दिया गया है लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट आइलैंड फ्रॉम द अंधरोध आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज अंधरोध आइलैंड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में ये आइलैंड है अंधरोध, उसी के नाम पर इस शिप का नाम रखा गया है। ओके, सो यहां पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन क्या बनेंगे, कहां से लॉन्चिंग की गई है सबसे पहला, कोलकाता से लॉन्चिंग की गई है, नदी हुगली नदी से किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। अगला, कौन सा पहला शिप था जो इस क्लास का था जिसको लॉन्च किया गया था, आईएनएस अर्नाला को लॉन्च किया गया था। अगला, यहां पर किसको रिप्लेस कर रहा है, अभे क्लास शिप्स को यहां पर रिप्लेस किया जा रहा है, और अंधरोध जो है नाम कहां से लिया गया है, ये एक लक्षद्वीप जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, जो आइलैंड यूनियन टेरिटरी है उसमें से एक छोटा सा आइलैंड जो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट आइलैंड है आपका, उसी से यहां पर अंधरोध आइलैंड से ही अंधरोध का नाम लिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन याद रख लेना, हुगली नदी, कोलकाता, जीआरएससी, अंधरोध क्लास, दूसरी शिप है, पहली शिप अर्नाला है और इस ये रिप्लेस कर रहा है अभे क्लास के शिप्स को, टोटल 8 ऐसी शिप्स बनाई जाएंगी और ये अंधरोध जो है लक्षद्वीप के एक आइलैंड का नाम है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें याद रख लोगे, उम्मीद करता हूं फिट हो रही होंगी दिमाग में कुछ कुछ चीजें, बाकी चीजें जब रिविजन करोगे तब फिट हो जाएंगी, राइट। ओके, सो ये सारा का सारा आपका बनाया गया है जीआरएससी के द्वारा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि कोलकाता में ही स्थित है। अगली खबर चलते हैं, हिमाचल गवर्नमेंट ने साइन किया है एक एग्रीमेंट फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी एजेंसी फ्रांसिस डी डेवलपमेंट के साथ। ओके, सो हिमाचल प्रदेश सरकार ने फ्रांस की एक डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज को इंप्रूव किया जाएगा और इसके लिए 817.12 करोड़ रुपीज यहां पर पहुंचाए गए हैं, जिसमें से 612 करोड़ रुपए तो यहां पर ये फ्रांस की कंपनी देगी और बाकी 204.85 करोड़ जो है वो यहां पर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट यहां पर देगी, ठीक है। अब आपको कहोगे सर टोटल तो मिल नहीं रहा, बाकी में नहीं मिल रहा टोटल, तो वो 816.85 बन रहा है, वो 817.12 बन रहा है, कुछ होगा अप्रोक्सीमेट, बाकी सरकार ने देना होगा 20-25, है ना। चलो एनीवेज, एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने कौन से देश की एक एजेंसी के साथ टाई अप किया जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज को और इंप्रूव करने के लिए उनके द्वारा कुछ फंडिंग दी जा रही है। राइट आंसर रहेगा फ्रांस। फंडिंग कितनी जा रही है, 817.12 करोड़, 817.12 करोड़ यहां पर फंडिंग दी जा रही है। इसके अलावा यहां पर आपका 612 करोड़ किसके द्वारा, एएफडी के द्वारा, और बाकी जो पैसा है वो यहां पर हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 204.85 करोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। बाइफरकेशन याद होती है, ठीक है, नहीं याद होती छोड़ देना, लेकिन ये जरूर याद रख लेना ये वाला पैराग्राफ, 817.12 जर्मनी के साथ, फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश सरकार। अगला है, सीयूएमआई ने साइन किया है एक लतोत एग्रीमेंट विद डीआरडीओ आरसीए लेबोरेटरी। मुरुगप्पा ग्रुप ओन्ड कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड ने एक साइन किया है एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द डीआरडीओ रिसर्च सेंटर इमारात लेबोरेटरी फॉर लाइसेंसिंग टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चरिंग सिरामिक रैंडम्स टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द मिसाइल सिस्टम। बड़ा खतरनाक से नाम है, बेसिकली मिसाइल सिस्टम में यहां पर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, उस टेक्नोलॉजी के लिए यहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया है डीआरडीओ की आरसीए लेबोरेटरी के साथ। ओके, सो यहां पर
कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है आपका किसके साथ, डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारात आरसीए लेबोरेटरी के साथ, जिसके तहत मिसाइल में यूज होने वाली एक टेक्नोलॉजी है वो उनसे ली जाएगी। और ये है जो टेक्नोलॉजी है, इसका नाम है सिरामिक रैंडम गैलकास्ट प्रोसेस टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं गैलकास्ट टेक्नोलॉजी। इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए डीआरडीओ के आरसीए लेबोरेटरी से जो CUMI यानी कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड है, ये यहां पर ये टेक्नोलॉजी लेगा डीआरडीओ से, उसके लिए उन्होंने एक टाई अप एक एग्रीमेंट किया है। अगर मैं इस टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये यहां पर आपका एक अलग लेवल की टेक्नोलॉजी है पूरे ग्लोबल लेवल पर। और CUMI इज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जो कि ग्रेफीन फॉर एरोस्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशन बनाता है, ग्रेफीन बनाता है यहां पर, जो कि इस्तेमाल किया जाता है एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री में। और अब इन्होंने यहां पर मांगा है डीआरडीओ से इस टेक्नोलॉजी को, जो कि यहां पर मिसाइल सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम पढ़ने से क्वेश्चन यही बनेगा कि हाल ही में डीआरडीओ आरसीए लेबोरेटरी के साथ किसने टाई अप किया है, CUMI ने। CUMI ने किसके साथ टाई अप किया है, यहां पर आरसीए लेबोरेटरी के साथ किस चीज के लिए टाई अप किया है, ये एक टेक्नोलॉजी के लिए टाई अप किया गया जो कि मिसाइल सिस्टम्स में इस्तेमाल की जाएगी, उसके लिए टाई अप किया गया है। और CUMI की बात करूं तो यहां पर ये पहली कंपनीज में एक है जो कि ग्रेफीन प्रोड्यूस करती है एरोस्पेस और डिफेंस के लिए यहां पर आपका। और ये टेक्नोलॉजी को अब यहां पर इसका नाम क्या टेक्नोलॉजी का, सिरामिक रैंडम्स गैलकास्ट प्रोसेस टेक्नोलॉजी मिसाइल सिस्टम में इस्तेमाल किया है। तो हेडलाइन में से क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा ये टेक्नोलॉजी याद रख लेना, नीचे यहां पर स्टैटिक फैक्ट है दोनों कंपनीज के। ठीक है, ओके, चले आगे चलते हैं। एनटीपीसी आरईएल ने साइन किया एमओयू इंडियन आर्मी के साथ। सो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने एमओयू साइन किया इंडियन आर्मी के साथ, जिसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स यहां पर एक साथ मिलकर लेंगे। सो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी इंडियन आर्मी हैज टाइड अप जितने भी यहां पर आर्मी के यहां पर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, जो भी हैं वहां पर ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित जो भी इनिशिएटिव्स हैं, जो भी लिया किया जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन से, जो भी एनर्जी प्रोडक्शन की फैसिलिटीज वहां पर लगाई जा सकती हैं वो वहां पर लगाई जाएंगी इंडियन आर्मी में। और ये रहेगा बिल्ड ऑन ऑपरेट एग्रीमेंट पर, यानी कि बनाइए भी आप उसको, आप बिल्ड एनटीपीसी इसको बनाएगा, ओन भी वही करेगा और ऑपरेट भी वही करेगा आपका, उसमें इंडियन आर्मी का कोई लेना देना नहीं। अंडर दिस एनटीपीसी आरईएल विल डिजाइन डेवलप एंड इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन अ फेज्ड मैनर। ओके, तो ये सब चीजें की रहेगा। एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन सिंपल सा आपका यही बनेगा, एनटीपीसी आरईएल ने किसके साथ टाइप किया ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव के लिए, इंडियन आर्मी ने किस पर्टिकुलर कंपनी को ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव के लिए यहां पर एग्रीमेंट किया है। राइट आंसर एनटीपीसी आरईएल रहेगा। तो एनटीपीसी आरईएल ने एग्रीमेंट किया इंडियन आर्मी ने एनटीपीसी आरईएल के साथ किस पर्पज से किया, ग्रीन हाइड्रोजन एस्टेब्लिशमेंट्स लगाए बनाई जाएंगी, कहां पर बनाई जाएंगी, यह बनाई जाएंगी यहां पर इंडियन आर्मी के ही जहां पर इंडियन आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जहां पर भी रहते हैं वगैरह वगैरह, जो भी ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज तो क्या कहेंगे, जहां जहां भी कैंट वेंट है, जहां इंडियन आर्मी रह रही है वहां पर यह चीज की जाएगी। एनर्जी कंजर्व करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। समुन्नति साइंस एमओयू विद द एमपी गवर्नमेंट। सो मध्य प्रदेश सरकार के साथ समुन्नति ने यहां पर एक एमओयू साइन किया है, फेलिसिटेटेड बाय द हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट हैदराबाद। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट हैदराबाद के साथ यहां पर किया गया है और ये समुन्नति ने एक एग्रीमेंट साइन किया है आपका। समुन्नति एम्स टू स्ट्रेंथन एमपी चीफ मिनिस्टर कम्युनिटी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय इंप्रूविंग द वेब पोर्टल एंड लर्निंग ऐप टू इंक्रीज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, रीडिजाइनिंग द कोर्स मटेरियल पर्टेनिंग टू एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीडिजाइनिंग द कोर्स करिकुलम ओवरऑल। सो समुन्नति बेसिकली एक ऐसी एजेंसी, एक ऐसा यहां पर ऑर्गेनाइजेशन जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ यहां पर है। एग्रीकल्चर को मंजूरी देना, एग्रीकल्चर को और इंप्रूवमेंट करना, किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया, जिसके तहत वहां के जो किसानों की मदद के लिए समुन्नति सामने आएगा और मध्य प्रदेश सरकार का जो एक प्रोग्राम है कम्युनिटी लीडरशिप प्रोग्राम जो है उसको आगे मंजूरी करेगा। और ये हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट हैदराबाद से संबंधित यहां पर एग्रीमेंट साइन किया गया। एग्जाम क्वेश्चन केवल हेडलाइन याद रख लो, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये छोड़ सकते हो पैराग्राफ, जस्ट समझने के लिए, नथिंग एल्स। इसमें बस हेडलाइन में क्वेश्चन आएगा, समुन्नति नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने कौन से स्टेट के साथ एग्रीमेंट किया, एमपी के साथ। एमपी गवर्नमेंट ने किसके साथ टाई अप किया, समुन्नति गवर्नमेंट के साथ हाल ही में एक टाई अप किया गया है।
Adobe ने लॉन्च किया है जनरेटिव सेंसेई जनरेशन AI। सो बेसिकली Adobe कहते हैं, अलग अलग इसको प्रोनाउंस किया जाता है अलग अलग तरीके से। तो Adobe ने यहां पर आपका लॉन्च किया जनरेटिव सेंसेई जन AI। एडोब के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, काफी फेमस अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर, और भी बहुत सारे, एडोब PDF हुआ तो वो भी एडोबी का ही PDF है, और भी बहुत सारी चीजें। तो यहां पर एडोबी ने कुछ ऐसा लॉन्च किया है जिसके तहत यहां पर आप टाइप करेंगे और आपको पिक्चर बनकर आ जाएगी। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ये चीज डिजाइन की है उन्होंने थ्रू सेंसेई जन AI। इसका नाम रखा गया है सेंसेई जन AI। यहां पर ब्रांड्स विल हैव द कैपेबिलिटी टू क्विकली क्रिएट एंड कस्टमाइज टेक्स्ट बेस्ड एक्सपीरियंस फॉर एनी कस्टमर इंटरेक्शन पॉइंट यूटिलाइजिंग वेरियस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स सच एज चैट GPT का इस्तेमाल करते हुए थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट अजूरे ओपन AI सर्विसेज एंड फ्लैन T5। तो इन सभी का इस्तेमाल करते हुए यहां पर आपका उस पर्टिकुलर क्लाइंट से जुड़ी है जो भी उसने नीड है, जो भी उसने ग्राफिक मांगा है, वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा Adobe के स्टॉक इमेजेस के थ्रू। यहां पर यह चीज की जाएगी, इसके साथ मिलकर इस चीज को इस्तेमाल किया जाएगा। एज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस क्लाउड Adobe विल इंटीग्रेट अ न्यू सेट ऑफ क्रिएटिव जनरेटेड AI मॉडल्स कॉल्ड दी Adobe Firefly। तो Adobe Firefly का निर्माण किया गया, इसका नाम ही Adobe Firefly रखा गया है। ओके, सो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन क्या है, एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा याद रखना, इसको ज्यादा कॉम्प्लीकेट मत करना, नहीं तो फिर टेक्निकल चीजों में घुस जाओगे और जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट से नीड नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन इसमें याद क्या करना, सेंसेई जन AI जो है किसका प्रोडक्ट है, Adobe का प्रोडक्ट है, ठीक है, Adobe का प्रोडक्ट है। सेंसेई जन AI किसका प्रोडक्ट है, Adobe का प्रोडक्ट है, पहली चीज तो ये याद रखनी है, ठीक है। क्या इन्होंने लॉन्च किया है, Adobe Firefly लॉन्च किया है। इसका नाम क्या रखा, Adobe Firefly इन्होंने लॉन्च किया है। ये दो क्वेश्चन इसमें से याद रख लेना बस, Adobe तीन कह लीजिए, Adobe सेंसेई जन AI और Firefly, ये तीन चीजें याद रख लेने, पूरी न्यूज कंप्लीट है आपकी। इसके अलावा इस न्यूज में से कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये तीन चीजों पे क्वेश्चन आ सकता है, सेंसेई जन AI, Adobe एंड दी Adobe Firefly। बाकी सब चीजें पढ़ने के लिए है, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, छोड़ना चाहो छोड़ देना, बट ये तीन शब्द याद रख लेना एंड आपकी न्यूज कंप्लीट है, आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है इस न्यूज में से, ठीक है। Adobe सेंसेई जन AI एंड दी Adobe Firefly। स्टेडियम नेम्ड आफ्टर रानी रामपाल फर्स्ट वुमेन टू गेट दिस ऑनर। सो यहां पर रानी रामपाल यहां पर एक हॉकी प्लेयर थी, है ना, और अभी हाल ही में चोटग्रस्त भी हुई थी और जिस वजह से उनको यहां पर खेल भी नहीं पाई थी, लेकिन लेटर ऑन फिर इन्होंने कमबैक किया। तो रानी रामपाल एक प्लेयर इन द इंडियन हॉकी टीम हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। ये पहली महिला बनी है जिनके नाम से यहां पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया, पहली महिला हॉकी प्लेयर जिनके नाम से एक स्टेडियम का नाम रखा गया है, रानी रामपाल, रानी गर्ल्स हॉकी टफ, इसका नाम है रानी गर्ल्स हॉकी टफ, MCFC रायबरेली का स्टेडियम है, रायबरेली का स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टफ रख दिया गया है हॉकी स्टेडियम का नाम। अर्लियर इस साल रानी रामपाल अपना कमबैक किया था इंडियन हॉकी टीम में साउथ अफ्रीका टूर में जहां पर वो सेलेक्ट हुई थी। प्रायर टू दिस उन्होंने लास्ट टाइम इंडिया को FIH वुमेन्स हॉकी प्रो लीग में खेला था बेल्जियम के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने अपना 250वां मैच खेला था, 250th कैप का मतलब 250वां मैच उनके द्वारा खेला गया था। आफ्टर स्ट्रगलिंग विद इंजरीज सिंस टोक्यो ओलंपिक्स 28 ईयर ओल्ड प्लेयर वाज लेफ्ट आउट ऑफ बोथ द 2022 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेली थी, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी नहीं खेली थी, लेकिन वो उसके बाद अपने चोटग्रस्त होने के बाद अपना रिटर्न किया उन्होंने वापस से और यहां पर उन्होंने फिर से खेलना स्टार्ट किया। तो एक स्टेडियम बनाया गया है रानी रामपाल जी के नाम पे, फर्स्ट वुमेन टू गेट दिस ऑनर, पहली महिला जिनके नाम से स्टेडियम बना है, क्या बना है, रानी रामपाल जी, नाम याद रख लेना रानी रामपाल, पहला क्वेश्चन ये बनेगा। कहां का स्टेडियम है, रायबरेली का स्टेडियम है, उसका नाम क्या रखा गया है, रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ इसका नाम रखा गया है। बाकी ये जो है ये सारी की सारी चीजें इनकी जस्ट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखी है, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है यार, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये आपका सारा का सारा है ना कि इन्होंने क्या किया था पहले, हिस्ट्री के बारे में जस्ट लिखा है, जो याद करना है जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, रानी रामपाल का नाम, रायबरेली और दी रानी गर्ल्स हॉकी टफ, बस इतना ही याद रखना है कि स्टेडियम कहां बनाया गया, किसके नाम से बनाया गया, दैट्स इट।
ओके, योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, पूरी दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप है, और इस बार ये आयोजित हुई बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया गया, और इस जो आयोजन था 113वां एडिशन था इस टूर्नामेंट का, और दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ठीक है। और इस टूर्नामेंट में इंडिया का एक भी खिलाड़ी यहां पर आपको नहीं दिखाई देगा। अमूमन यहां पर इस तरह के टूर्नामेंट और भी बहुत सारे होते हैं बैडमिंटन से जुड़े हुए, मैं हमेशा सारी न्यूज नहीं कवर करता, लेकिन ये ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है बैडमिंटन का, इसलिए मैंने यहां पर कवर किया क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं लगा। दो इंडियंस इसमें कहीं पर भी कुछ भी उन्होंने नहीं जीता है, ठीक है। दो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया बैडमिंटन इंग्लैंड एंड द सैंक्शन बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। ये विनर्स वीमेन सिंगल, मैंस डबल, वीमेन्स डबल, मिक्स डबल्स ये इवेंट हुए थे, और ये यहां पर लोगों ने जीते हैं यहां पर आपके अलग अलग कंट्रीज से। मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं वो साउथ कोरिया और इंडोनेशिया और चाइना के आपको दिखेंगे, यही है साउथ कोरिया चाइना इंडोनेशिया, साउथ कोरिया चाइना इंडोनेशिया, हर एक जगह पे यही प्लेयर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये अब आप कहोगे सर याद करने हैं, तो देखो इंडियन होता तो ऑब्वियस है याद करने ही थे, है ना। अब नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है टूर्नामेंट, याद करना पड़ेगा, है ना, एटलीस्ट विनर के नाम। वैसा तो विनर के नाम अकेले नहीं, रनर अप के नाम भी पूछ लेता है एग्जामिनर, है ना। तो ये आप अपने रिस्क पे याद कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा याद हो सके तो, नहीं याद होते तो फिर और क्या सोल्यूशन है, फिर छोड़ना ही है, और क्या कर क्या सकते हैं, और कुछ तो कर नहीं सकते। जितना कर सकते हैं वो बता देता हूं, बर्मिंघम लोकेशन, ठीक है, कौन से एडिशन है 113वां, या फिर ये पूछ लेंगे दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट कौन सा है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, इस तरह का क्वेश्चन भी यहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी विनर रनर अप के नाम आपके सामने है, ठीक है, ओके। टू टाइम एमवीसी रिसिपिएंट विंग कमांडर जगमोहन नाथ पास्ड अवे, ओके, जगमोहन नाथ दो बार महावीर चक्र से सम्मानित विंग कमांडर जगमोहन नाथ, इंडियन एयरफोर्स वेटरन, इनका निधन हो गया। जगमोहन नाथ जिनको हम जग्गी के नाम से भी जानते थे, एंड ये यहां पर आपके 106वें स्क्वाड्रन लिंक्स के पार्ट थे, और उन्होंने कैनबरा एयरक्राफ्ट को उड़ाया था, और ये यहां पर एक ट्विन इंजन जेट बॉम्बर जो कि कैमरा जिसपे इंस्टॉल्ड थे, ये कैनबरा एयरक्राफ्ट लिंक्स स्क्वाड्रन का यहां पर 1948 से 1969 में इन्होंने एयरफोर्स को सर्व किया, और लेटर ऑन एयर इंडिया को ज्वाइन कर लिया एज ए कमर्शियल पायलट। इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, एज वेल एज दी परमवीर चक्र भी दिया जा चुका है, एज वेल एज दी हाँ बस ये, और सेकंड महावीर चक्र इनको दिया गया 1965 में भी इंडो पाक वॉर में। सो इन्होंने इंडिया चाइना जो वॉर थी 1962 में उसमें भी काफी अहम भूमिका निभाई थी, और लेटर 1965 की जो इंडो पाक वॉर थी उसमें भी काफी अहम भूमिका निभाई थी। इनका नाम है जग्गी, जग्गी इनका नाम है, कैनबरा नाम का एयरक्राफ्ट इवन ये ले गए थे यहां पर पाकिस्तान में, इस एयरक्राफ्ट को यहां पर आपका काफी अहम रोल था इनका। दो बार महावीर चक्र दिया जा चुका है, तो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन ध्यान रखना, दो बार महावीर चक्र इनको मिला है, ठीक है, दो बार इनको महावीर चक्र मिला है। ठीक है, हाँ, कौन से कब कब मिला है, 1962 में मिला है, 1965 में मिला है, ठीक है, ये दोनों के दोनों ईयर याद रख लेना, ईयर याद रखने हैं इनको, ठीक है, कौन कौन सा अवार्ड मिला है ये भी याद रखना है, कब से कब तक इन्होंने सर्व किया है यहां पर इंडिया में, कौन सी कंपनी को ज्वाइन किया था एज अ कमर्शियल पायलट इन्होंने, ये भी याद रखना है, क्या कहा जाता है जग्गी, तो ये नंबर डाल देता हूँ, इनके एयरक्राफ्ट जिनको उड़ाया था काफी फेमस था ये, एंड ठीक है, ईयर कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा अवार्ड मिला, कब सर्व किया, एयर इंडिया, कैनबरा एयरक्राफ्ट, जग्गी, ये हैं दो बार के महावीर चक्र रेसिपिएंट विंग कमांडर जगमोहन नाथ जी, इनका निधन हुआ। वर्ल्ड पपेट्री डे 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है विद द थीम ऑफ द कॉल ऑफ द फॉरेस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है विद द थीम ऑफ द फॉरेस्ट एंड द हेल्थ के साथ, एंड इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज नया वर्ष नई उम्मीद के साथ यहां पर, इसको हम ईरानियन और पर्शियन न्यू ईयर भी कहते हैं, है ना, और वैसे तो और भी कई नामों से नए साल को ऑब्जर्व किया जाता है, नव संवत्सर जिसको कई जगह पर बोला जाता है वही है ये। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, और
कैंपेन जो हुआ बी दी चेंज यू वांट टू सी इन दी वर्ल्ड, इस कैंपेन के ऊपर आधारित रहा। और इसी मौके पर यहां पर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थी वर्ल्ड वाटर डे से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस भी यहां पर आयोजित हुई थी। और एक रिपोर्ट भी इसी मौके पर जारी की गई जिसका टाइटल था पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन फॉर वाटर, द फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन वाटर वॉज रिलीज अहेड ऑफ यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस। इस रिपोर्ट के अनुसार 26% ऑफ पॉपुलेशन 2 मिलियन पीपल डू नॉट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड 46% ऑफ पॉपुलेशन लैक एक्सेस टू द सेफली मैनेज सैनिटेशन। तो ये एक रिपोर्ट में ये परसेंटेज की बात की गई है, याद रख लेना ये सारी की सारी रिपोर्ट को, इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट किसने दी है, क्या दिया है रिपोर्ट में, एक शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने दे रखा है। शहीद दिवस मार्टर डे 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, जिस दिन यहां पर हमारे देश के फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु जी को 1931 में फांसी दे दी गई थी। शहीद दिवस मार्टर डे को यहां पर महात्मा गांधी जी का भी होता है 30 जनवरी उस दिन भी ऑब्जर्व किया जाता है, और ये वैसे शहीद दिवस जिस दिन यहां पर भगत सिंह जी को यहां पर आपका और उनके साथी गण को यहां पर फांसी दे दी गई थी। ठीक है, ओके। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है विद द थीम ऑफ द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस द जनरेशंस, राइट। ये रीसेंट डेज हैं आपके पूरे के पूरे जो रिसेंटली हमने कुछ दिन पहले में हमने पढ़े हैं। और आज के सेशन में इतना ही था। @KKArtPal सर्च करके मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और GIB का एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, आज 2 बजे से हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, एनरोल कर लेना। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 25-25 क्वेश्चंस चारों सब्जेक्ट्स के उसमें रहने वाले हैं। ये एक एग्जाम जो है बैंक एग्जाम एस्पिरेंट भी दे सकते हैं और बैंकर जो है वो भी दे सकते हैं। आपके साथी जो भी बैंकर हैं उनको तो कहिएगा ही, और आप भी कोशिश कीजिएगा समय मिले तो ज़रूर इसका एग्जाम को अटैम्प्ट कीजिएगा। इसमें बैंकिंग अवेयरनेस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, थोड़े अपग्रेड वर्जन के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हो सकता है काफ़ी सारे क्वेश्चन आते ही हों इसमें से। एंड करके देख लीजिएगा अटैम्प्ट कर, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड रात को मिलते हैं फिर 10 बजे MCQs की क्लास में, बाकी क्लासेस भी हैं, 1 बजे भी आपकी एक अनअकैडमी प्लस की क्लास है आज, और फिर आज अनअकैडमी प्लस पर 2 क्लासेस हैं, 1-1 बजे 8:30 बजे जो क्लासेस पिछले दिन नहीं हुई थी तो मैंने आज उसको शिफ्ट कर रखा है। और रात को 10 बजे तो हम मिलेंगे ही MCQs क्लास में। पोल चलता है नहीं चलता है दैट इज डिफरेंट थिंग, कोशिश तो है कि पोल हो जाए अगर वहाँ से कुछ अनअकैडमी से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो नहीं मिलती तो फिर हम क्लास तो मैं लूँगा ही लूँगा, ठीक है, क्लास नहीं रखेगी, क्लास लेंगे। एंड थैंक यू सो मच, सेशन पसंद आए तो लाइक करना नहीं करना आपकी मर्जी है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कैसा लगा सेशन, मिलते हैं फिर। अब नेक्स्ट सेशन आपका आई थिंक मंडे को होगा, है ना, और मैं 23rd की एक PDF पेंडिंग है वो मैं आज तक आपको दे दूंगा, कल बन नहीं पाई, कंप्लीट नहीं हो पाई वो PDF अभी, है ना, वो मैं आपको दे दूंगा, कल संडे है आराम से मिल जाएगी आपको, ताकि संडे को आप अपना वो उसका बैकलॉग क्रिएट कवर कर सको। फिलहाल हाँ सर, 12 बजे हम मिलेंगे वीकली करंट अफेयर्स में, वीकली करंट अफेयर्स है वो तो भूल ही गया था मैं, आज वीकली करंट अफेयर्स की क्लास भी है 12 बजे, यूट्यूब पर होगी, मेरे चैनल पर होगी, उस पर आ जाइएगा। थैंक यू, और इसको एनरोल कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके।